बात करते हैं ग्लोबल जल बवंडर की। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में बार बारिश का तूफान तांडव मचा रखा है। रूस चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क कुदरत के प्रचंड प्रकोप से थर्रा उठे हैं। आखिर कितना भयावह है रूस से चीन तक का ये जल विध्वंस, आप देखिए। जबरदस्त आंधी तूफान के बीच कई घंटों की मूसलाधार बारिश और उसके बाद आए सैलाब ने दुनिया के कई मुल्कों को जलमग्न होने पर मजबूर कर दिया। कुदरत के प्रचंड प्रकोप के आगे रूस चीन तक को सरेंडर करना पड़ गया। ये तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को की है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा मॉस्को के इस एक्सप्रेसवे को देखकर लग सकता है, जहां कई फुट पानी भरा हुआ है और इसी के बीच से गाड़ियां गुजर रही हैं। रूस की तरह चीन में भी तूफान और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। नदियां उफान मार रही हैं, पुल टूट चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारी बारिश के चलते चीन की 30 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं चीन के हेनान प्रांत में बीते 24 घंटे में इतनी बारिश हुई जितनी पूरे साल भर नहीं होती। उसका नतीजा है कि हेनान प्रांत के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसी तरह मेक्सिको के कई इलाकों में हालात भयावह हो चुके हैं। रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है, गाड़ियां डूब चुकी हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। आपको बता दें कि बाढ़ के चलते सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।